मेरे सभी भाई बहनों को मेरा राम राम और नमस्ते। आज मैं राजस्थान की बहुत ही मशहूर राबड़ी बनाने वाली हूँ, कुट्टा राबड़ी। इसके लिए मेरे को बाजरा चाहिए और आधा किलो दही खट्टा। तो इसके सबसे पहले मैं बाजरा को, ये इतना बाजरा लिया मैंने, सबसे पहले मैं 2 चम्मच बाजरा को डाल के भिजाऊंगी, क्योंकि इसमें जो जो बाजरे के अंदर में थोड़ा थोड़ा फुसका सा रहता है कोई कोई बाजरे में, इसे सब में तो नहीं रहता है। ये देखिए इसमें है, ये हम ऐसे निकाल नहीं सकते एक एक का दाना, ये हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये हम हटा देते हैं इस तरह से। इसमें कोई कोई में है बाजरा में, तो उसके लिए हमें बस 1 चम्मच इतना सा पानी डाल के हम थोड़ी देर के लिए इसको भिजा देंगे। तो ये फुसका सा जो है ना, ये हमारा निकल जाएगा फटकेंगे तो। इसको मैं 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ, 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, है ना, ये फुसके हमारे निकल जाएंगे। अब इसको मैं रेडी 1 मिनट के लिए, खाली बस 1 मिनट के लिए मैं जरा सा मिक्सी चला देती हूँ। गीला कर देने से क्या, इसका आटा नहीं बनेगा और इसका फुसका है जो भूसा वो निकल जाएगा। हम थोड़ा फटकेंगे पिसने के बाद में, तो भूसा निकल जाएगा। बस 1 सेकेंड हमें चलाना है इसको। देखिए अब ये मैंने मिक्सी से निकाला, कल 1 सेकेंड के लिए इसको घुमाया था, ऐसे हम थोड़ा सा हाथ से मसल लेते हैं। अब इसको इसको फटक देंगे तो इसका गर्दा उतर जाएगा पूरा। अब मैं इसको थोड़ा सा फटक लेती हूँ, ऐसे मैंने थोड़ा सा फटका भी है, ये भूसा निकल जाता है इसका इस तरह से। गीला कर लिया, 1 चम्मच पानी डाल के, 2 चम्मच पानी डाल के, तो हमारा बाजरा जो सूखा रहता है उसका आटा नहीं बनेगा और ये भूसा है जो आराम से निकल जाएगा। इसी तरह से हमें इसे भूसा निकाल देना। अब हम इसको आराम से पीस लेते हैं महीन करके। ये देखिए ये जो भूसा था, ये हमारे कोई काम का नहीं है, ये इतना सा ये भूसा निकल गया। ये बाजरा में रहता ही है ये ऐसे। अब ये हमारा रेडी हो गया बाजरा। आज तो हमारे पास मिक्सी आ गई, हमारी दादी नानी जो हमारे बुजुर्ग थे वो लोग तो उसको मामदस्ता में कूट के इस तरह से करते थे तैयार बाजरे को। अब मैं इसमें मिक्सी में पीस लेती हूँ इसको। अब मैं इसमें छान लेती हूँ, मैंने जो अभी पीसा है इसको हम छान लेंगे। तो ये हमारा आटा बाहर आ जाएगा और ये ऊपर वाला हिस्सा हम हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, ज़्यादा महीन भी नहीं रखना। जैसे सूजी का दाना होता है मोटी सूजी, उसी हिसाब से हमें इसको पीस के तैयार करना है। अच्छा, जो हमारा ये आटा बनेगा इसका हम रोटी में काम लगा लेंगे, बाजरा की रोटी में। ये आटा हमारा बाजरा की रोटी में काम आ जाएगा। ये मेरा पीस के तैयार हो गया है ये बाजरा। इस तरह से हमें रखना है बाजरे को, जैसे मोटी सूजी होती है उसी हिसाब से। तो मैं अब इसमें ये आधा किलो दूध का मैंने दही जमाया, खट्टा दही कर लिया था, अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ पूरा। अब इसमें 1 चम्मच में बेसन भी डालूँगी। तो बनाना बहुत आसान है और है भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। बस इतना हम बेसन डालेंगे इसको, ये हमारा इतना ही चाहिए मेरे को सामान। ऐसे फेंट लेंगे तो दही के अंदर में फेंट, इसको अच्छा से हम फेंट लेते हैं। चीज़ है गर्मी में, जाड़ा में, हर मौसम में खाने के लिए तैयार है हमारी। इस तरह से हम इसको चला के एकदम तैयार कर लेते हैं। जब एकदम तैयार हो जाएगा ये, इसमें दही में इसको फेंट लेंगे तो क्या गुठला नहीं पड़ेगा। अब हम इसमें डालेंगे, इसके डबल पानी डालेंगे। कितना हमारे पास में ये है मसाला, ये दही का घोल, उससे डबल हम डालेंगे पानी। तो इसको अच्छा से फेंट लेंगे तो गुठले नहीं, देखो एकदम भी गुठला नहीं है इसमें, एकदम अच्छा हो गया हमारा। अब मैं इसको इसमें निकाल देती हूँ और ये जो छान के मैंने आटा निकाला था इसकी हम रोटी बना लेंगे।
अब मैं इसको पानी डालती हूँ, लग जाएगा मेरे को। इस तरह से हम इसे पूरा से निकाल देंगे इसका पानी। ये बहुत अच्छी चीज़ है बाजरा, वैसे भी ठंड में गर्मी में हर मौसम में हम खा सकते हैं इसको, लेकिन गर्मियों ठंड के समय में इसको जरूरी खाना चाहिए बाजरे को। जब हमारा सर निकल गया, एक टोपिया पानी वो डाल देती हूँ मैं इसमें। अब देखिए मैं इतना पानी हो गया, मैं इस तरह से मैंने पतला कर दिया, ये दो टोपिया पानी इसमें डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें दही नमक डाल देती हूँ। अब हम इसको उबाल दिला लेते हैं इसको, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा मैं कि चिपके नहीं, ये चिपकना नहीं चाहिए। अभी मैं इसको जब तक उबाल आए नहीं आए तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे ना, बस ये सीसे रहेगा जैसे हम खड़ी सिझाते हैं, उसे सिझाना है इसको। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि इसे चिपका चिपके नहीं है। ये मेरा गर्म हो रहा है, इसमें थोड़ी सी हम हल्दी भी डाल देंगे। अब ये उकाला आएगा तब तक हम इसको ऐसे उबालना हिलाते रहेंगे। तो ये क्या दही फटे नहीं, एक बार तो दही नहीं फटता है, लेकिन एक बार हमेशा जब तक उबाल ना आए इसी तरह से हम हिलाते रहेंगे। तब देखिए हमारी राबड़ी इस तरह से कितना सुंदर लग रहा है, सीझ रही है। अब इस तरह से ये मोटी रहनी चाहिए। अब हम इसको आधे घंटा तक सिझाएंगे धीमी ताव करके। बस ध्यान रखना है कि ये चिपके नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का हिलाते रहिए और ताव धीमा कर दीजिए, क्योंकि उबाल आ गया है इसको तो फटने का तो चांस नहीं है इसमें। बस हमें आधे घंटा इसको और इसी तरह से सिझाना धीमी ताव में और ध्यान इसको हिलाते हुए। देखिए हमारी है ना राबड़ी बन के तैयार हो गई है इस तरह से, इसका दाना बिल्कुल सीझ गया है। अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। गर्म चढ़ाया है, इसमें मैं थोड़ी गोल मिर्ची डालूँगी, चार चार पाँच दाना। बस घी में गर्म हो जाता है गोल मिर्ची, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, गर्म हो जाएगी ये गर्म घी है। इसमें मैंने थोड़े से तुलसी के पत्ते काट के रखे हैं, तो मैं थोड़ा सा तुलसी के पत्ते भी डाल देती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं तुलसी के पत्ते भी, थोड़े पुदीने के पत्ते भी हम डाल देते हैं। अभी छोटे छोटे मिल रहे हैं पुदीने के पत्ते, लेकिन पुदीने का भी टेस्ट अच्छा लगता है। अब थोड़ा सूखा जीरा, सूखा भुंजा हुआ जीरा, इसे अब इसमें हम डालेंगे गोल मिर्ची घी के साथ में। ये देखिए गरम घी के साथ में गोल मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। ये बाजरा का अब ये जो कुटा राबड़ी जो हमारी है ये, अगर आप इसको खा के, अगर आपको सर्दी जुकाम भी लगी होगी और आप इसको खा के सो जाओ, आपकी जुकाम भी गायब हो जाएगी और आपको आराम भी लगेगा सर्दी जुकाम से। देखिए हमारा बाजरे की कुटा राबड़ी कितनी अच्छी लग रही है खाने में, देखने में तो अच्छी लगेगी ही, खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। और ऐसे भी बाजरे के अंदर में लो आयरन की बहुत ज़्यादा है, आयरन प्रोटीन भी बहुत है, फाइबर भी बहुत है, इसलिए हम सभी को बाजरा तो ठंड के समय में खाना ही चाहिए हमेशा ही। ठंड में तो हम इस तरह से गर्म खाएंगे और गर्मी के मौसम में हम इसी तरह से बनाएंगे इसको, लेकिन उस समय हम डालेंगे दही इसमें, मीठा दही। आपकी इच्छा हो तो आप मीठा दही भी डाल सकते हो लस्सी बना के, और ठंडे फ्रिज में रख दो और ठंडी ठंडी खाओ गर्मियों के मौसम में। और अभी ठंड के मौसम में हमें इसे गर्म करके खाना है। तो अगर आपको मीठा पसंद हो तो आप इसमें गुड़िया शक्कर डाल के भी खा सकते हो, पर इस तरह से आप खाओ, अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ और सर्दी जुकाम से छुटकारा पाओ। इसे छोटे बड़े सभी खा सकते हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो बाजरा की कुटा राबड़ी आप ज़रूर से बनाइए और खाइए। आप मेरे चैनल को, अगर आप मेरे नए भाई बहन हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने विचार दीजिए, लाइक किए, आपको कैसा लगा बाजरे का कुटा राबड़ी, राखिए मशहूर राबड़ी है। धन्यवाद।